बिहार में महागठबंधन के नेता को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है, जिसको लेकर सभी दलों में असहमति के बीच शरद यादव का नाम सूत्रधार के तौर पर सामने आया है। हालांकि आरजेडी ने साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार में महागठबंधन दलों की ओर से तेजस्वी यादव के अलावा किसी और के नाम का कोई विकल्प नहीं बचता है। वहीं कांग्रेस तेजस्वी के मामले में चुप्पी साधे हुए है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी वही होंगे। उन्होंने कांग्रेस की चुप्पी पर कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांग्रेस हाईकमान से बेहतर संबंध है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव ही एकमात्र मुख्यमंत्री का चेहरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेजस्वी एक्सप्रेस पर ही सबको बैठना होगा। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार की सियासत में चुनावी गर्माहट देखने को मिल रही है। महागठबंधन में अहम घटक पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जहां समन्वय समिति बनाने की बात कही, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश सहनी ने शरद यादव का नाम आगे किया है। महागठबंधन में चेहरे पर चल रही खींचतान पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता माधव आनंद ने कहा कि हमारी तो इच्छा है कि गठबंधन का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा हो, लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा। उन्होंने कहा आरजेडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने तेजस्वी का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन उनको सभी घटक दलों के नेताओं के साथ बैठकर आम सहमति बनानी चाहिए। अब चेहरे को लेकर देरी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच कांग्रेस ने शरद यादव के चेहरे को नकार दिया है, लेकिन तेजस्वी के नाम का खुलकर समर्थन भी नहीं किया है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।